हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक देवल के विरुद्ध झूठे मुकदमे एवं प्रधान के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा को लेकर सौंपा ज्ञापन। उपखंड मुख्यालय के रेवदर रोड पर स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में बुधवार को प्रधान विमला चौहान के नेतृत्व में विशाल रैली एवं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को भाजपा के कई पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में मुख्य बाजार, बस स्टैंड, पंचायत समिति कार्यालय, कालूपुरा तिरोह से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुँचे। इस दौरान पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 28 जनवरी को पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विकास अधिकारी सुनीता ने प्रधान विमला चौहान और पंचायत समिति के अन्य निर्वोचित सदस्यों के रिश्तेदारों को सभागार से बाहर जाने का निर्देश दिया। विकास अधिकारी सुनीता परिहार के निर्णय पर सभी नव निर्वोचित जनप्रतिनिधि एवं इनके रिश्तेदार ने विकास अधिकारी से स्वागत सम्मान कार्यक्रम के बाद बाहर जाने का आग्रह किया, परंतु विकास अधिकारी ने किसी राजनीतिक दबाव में उनको तुरंत बाहर जाने की फटकार लगाई। इसके कुछ देर बाद स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल बैठक में पहुंचे। प्रधान विमला चौहान सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने विधायक के सामने विकास अधिकारी की इस हरकत पर नाराजगी जताई और विकास अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाने की शिकायत भी की। इस पर विधायक ने विकास अधिकारी से सभी रिश्तेदारों को स्वागत समारोह तक सभागार में बैठने और उसके बाद बाहर जाने हेतु कहा, परंतु फिर भी विकास अधिकारी नहीं मानी तो विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक से बाहर आ गए और विकास अधिकारी की मनमानी और तानाशाही के विरुद्ध धरने पर बैठ गए। इस पर विकास अधिकारी और अधिक चिढ़ गई और उप प्रधान की अध्यक्षता में ही कांग्रेस पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक शुरू कर दी, जो कि नव निर्वोचित जनप्रतिनिधियों का सीधा सीधा अपमान है। विकास अधिकारी के इस व्यवहार पर विधायक ने सहायक अभियंता रमेश शर्मा को कहा कि इनको समझाओ, ये गलत तरीका है। इस वार्तालाप का कुछ शरारती तत्वों एवं कांग्रेसियों ने वीडियो बना लिया और उससे छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बैठक समाप्त होने के बाद विकास अधिकारी पूरे पंचायत समिति स्टाफ के बाद बाहर आई और धरने पर बैठे विधायक और प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से घटना पर खेद व्यक्त किया और आपसी सहमति से समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद विधायक और प्रधान सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि जब इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा के मार्फत विकास अधिकारी के विरुद्ध दिए जाने वाले ज्ञापन को भी नहीं दिया और मौके पर ही फाड़ दिया। परंतु फिर भी कांग्रेसी राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों ने मामले को बेवजह तूल देकर बात का बतंगड़ बना दिया और विधायक के विरुद्ध जबरन झूठे तथ्य प्रचारित कर मुकदमे दर्ज करवाए। जबकि हम स्वयं विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा की स्थानीय निवासी हैं और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं। हम सभी विधायक को व्यक्तिगत रूप से भी जानती हैं। वो कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने केवल अनुसूचित जाति की महिला प्रधान विमला चौहान के हक और अधिकारियों पर अलोकतांत्रिक तरीके से हो रहे अतिक्रमण को रोकने हेतु धरने और बैठने का निर्णय लिया था, जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक उचित कदम था। परंतु विधायक देवल के राजनीतिक विरोधियों ने षड्यंत्र पूर्वक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए देवल की छवि को धूमिल करने का घिनौना प्रयास किया जा रहा है, जो कतई अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अगर विकास अधिकारी राजनीतिक साजिश का शिकार होकर विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती हैं, तो मजबूरन हमें भी विधायक के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके से विकास अधिकारी की कार्यशैली के विरुद्ध आंदोलन करेगी। साथ ही इस संबंध में विधायक नारायण सिंह देवल के विरुद्ध जसवंतपुरा थाने में दर्ज झूठे मनगढ़ंत एवं षड्यंत्र पूर्वक बनाए गए मुकदमे को वापस लिया जाए। इस दौरान जिला प्रमुख राजेश राणा, जसवंतपुरा प्रधान विमला मेघवाल, सायला प्रधान, जिला परिषद सदस्य हरीश राणावत, पंचायत समिति सदस्य अंजू प्रजापत, जिला उपाध्यक्ष भैरुदान चारण, जसवंतपुरा मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह देवल, रामसन मंडल अध्यक्ष रमेश रावल, बीनमाल ग्रामीण मंडल अध्यक्ष छागन राजपुरोहित, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रिडमल सिंह डाबी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल राजपुरोहित साकड़, करड़ा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम बिशोई, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हिंगलाज दान चारण, करनी सेना जिला अध्यक्ष दिलीप, जिला मंत्री मानसीराम चौधरी, उक सिंह परमार, जिला महामंत्री प्रकाश मेघवाल, जिला महामंत्री मुकेश खंडेलवाल, राम सिंह जितपुरा,
फूलचंद खंडेलवाल, देवाराम प्रजापत सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व लोग मौजूद थे। इस दौरान एससी एसटी एक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया, भगवा क्रांति संगठन सहित अन्य संगठनों ने भी इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया। बैठक एवं विशाल रैली में शांति व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। जागरूक टीवी की जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।